ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो भगवान का पांचवा दिव्य महान गुण बताया जाता है बलियान। बलियान का मतलब होता है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो, जिसके अंदर में पूर्ण बल हो। जैसे वेदों के अंदर में भगवान की परिभाषा ही ऐसी बताई गई है जिसके अंदर में छह प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। पराशर मुनि कहते हैं भगवान की परिभाषा क्या है, ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रियाः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नं भग इतिंगण। जिनके अंदर में पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण वीरता, तो यहां पर हम देख सकते हैं पूर्ण बल या पूर्ण वीरता जिसके अंदर में होती है उसे भगवान कहा जाता है। तो भगवान के अंदर में ये जो बलियान का जो ये गुण है ये पूर्ण रूप से पाया जाता है, जिसके कारण भगवान सभी जीवों के लिए पूर्ण रूप से आकर्षमयी है। तो इस गुण के बारे में भगवान की वृंदावन की अनेकों अनूठी लीलाएं हैं। भगवान ने कैसे पूतना का वध किया, अनेकों राक्षसों को कंस ने वृंदावन में भेजा, और भगवान ने उस समय भगवान की बालक की लीलाएं थी, और इन सभी असुरों का भगवान ने किस प्रकार से वध किया, इन सब के द्वारा हम देख सकते हैं भगवान का पूर्ण बल। तो कहा जाता है कि भगवान को बल प्राप्ति के लिए कोई व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती, कोई योग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग अगर बल प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जो है कुछ योग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। लेकिन भगवान जब माँ के गर्भ से, देवकी के गर्भ से भगवान उन्होंने जब जन्म लिया, बचपन से ही हम देख सकते हैं भगवान के अंदर में पूर्ण बल है। जब माँ के गोद में भगवान यशोदा माई की गोद में खेल रहे थे, उस समय ही भगवान ने पूतना जैसी जो है बड़ी राक्षसी का वध किया था। तो इस विषय में आचार्यों ने भगवान की दो बड़ी सुंदर लीलाएं बताई हैं, जिसमें वृंदावन वासी स्वयं आपस में चर्चा कर रहे हैं भगवान के बल के बारे में। तो एक बताया जाता है कि जब कंस ने अक्रूर को भेजा था कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, उसी समय में कंस का एक अनुयायी अरिष्टासुर उसने वृंदावन के अंदर में प्रवेश किया। ये अरिष्टासुर एक असुर था
जिसका रूप एक बैल का रूप था, जैसे गाय होती है इस प्रकार से बैल का रूप था। तो अरिष्टासुर के बारे में भागवत में विवरण दिया है, उसका शरीर अत्यंत विशाल था, मानो पर्वत की भांति, जैसे हिमालय पर्वत होता है। और जिस प्रकार से हिमालय पर्वत के ऊपर आप देख सकते हैं कि बादल मंडराते हैं, इसी प्रकार से जब अरिष्टासुर ने वृंदावन में प्रवेश किया तो बताया जाता है उसका शरीर इतना विशाल था पर्वत की भांति, और लोगों को दिख रहा था कि उसके शरीर के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, मतलब धरती से लेकर के आकाश तक इतना विशाल उसका शरीर था। और उसके साथ साथ में ये जो बैल था अरिष्टासुर, इसके सींग भी बड़े थे, अत्यंत विशाल थे। तो जब इसने वृंदावन में प्रवेश किया और यमुना नदी के किनारे पर आया तो उसने धरती को खोदना प्रारंभ किया अपने खुरों के द्वारा। आपने देखा है ना, बैल जो है जब उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो अपने खुरों के द्वारा धरती को खोदता है। तो बताया जाता है कि जब इस प्रकार से धरती खोद करके वो वृंदावन की तरफ आ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती के ऊपर भूकंप आ गया हो, भूचाल आ गया हो। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो पूरी धरती हिलती है, इस प्रकार से धरती हिल रही थी। और जमीन खोदने के साथ में इसने जोर से जो है चिंगाड़ लगाई, मतलब जोर से जब बैल आवाज करता है, और भागवत में कहा है जब इस प्रकार से उसने इतनी तीखी आवाज में इस प्रकार से चिंगाड़ जब लगाई, तो वृंदावन की जो स्त्रियां जो गर्भवती थी और जो गाय गर्भवती थी, उनका गर्भ गिर गया, उनका गर्भपात हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अरिष्टासुर कितना बलवान था। और बाद में इस प्रकार से जब वो वृंदावन की तरफ बढ़ा चला आ रहा था, तो जितने भी पशु थे, गायें थी, बाकी पशु थे, डर करके उसके विशालकाय शरीर को देख करके डर करके भाग रहे थे गांव छोड़ करके। तो जब कृष्णा ने ये वृतांत वहां पर देखा कि किस प्रकार से वृंदावन वासी और वहां के पशु पक्षी जो है भयभीत होकर के गांव छोड़ करके भाग रहे हैं, तो भगवान तुरंत अरिष्टासुर के सामने आए और उसको ललकारा। भगवान ने कहा कि तुम सभी जीवों में से सबसे नीच जीव हो, जो इस प्रकार से वृंदावन वासियों को इस प्रकार से तुम जो है डरा रहे हो, तुम्हें क्या मिलने वाला है? अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ललकारता हूं कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से अरिष्टासुर को ललकारा तो उसको और अत्याधिक क्रोध आ गया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान जो है अपने हाथ के द्वारा अपने जो सखा थे उनके ऊपर झुक करके भगवान जो है उसके कंधे पर हाथ रख करके भगवान आराम से खड़े थे, और ये देख करके अरिष्टासुर को और अत्याधिक क्रोध आ गया, और धरती को खोदते हुए सींगों के साथ में बड़े बड़े जो है श्वास भरते हुए अंदर बाहर जोर से भगवान की तरफ वो जो है लपका। तो उस समय बताया जाता है कि भगवान ने ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई छोटा जानवर हाथी के ऊपर लपकता है और हाथी उसे सूंड से पकड़ के दूर फेंक देता है, भगवान ने उसके सींगों को पकड़ा और उस सींगों को पकड़ करके भगवान ने अरिष्टासुर को दूर फेंक दिया। तो अरिष्टासुर गिरा वहां पर जाकर के, बड़ी मुश्किल से उठा, और उठने के पश्चात दोबारा भगवान कृष्ण की तरफ लपका।
और इस बार भगवान ने क्या किया, उसके सींगों को पकड़ करके धरती पर दे मारा। धरती पर मारने के पश्चात भगवान ने उसके सींगों को तोड़ दिया और भगवान ने अपने चरण कमलों के द्वारा उदाहरण दिया जाता है, जैसे धोबी कपड़े को धोता है, भगवान ने इस प्रकार से उसको मार के उसके जो है प्राण उसने अपने त्याग दिए। तो इस विषय में जब गोपियों ने भगवान को इस प्रकार से अरिष्टासुर का वध की ये लीला उन्होंने अपनी आंखों से देखी, तो आपस में वो वार्तालाप कर रही हैं भगवान के विषय में और कह रहे कि हे गोपियों, क्या तुमने देखा भगवान कृष्ण जो है हमारे कितने बलवान हैं। उन्होंने इस विशाल काय अरिष्टासुर जो एक पर्वत की भांति था, भगवान ने उसको एक रुई की भांति हवा में उछाल दिया और उसको पटक करके उसका उसकी जो है जान चली गई। तो ये जो है लीला आचार्य बताते हैं, जहां पर वृंदावन वासी स्वयं भगवान के बल के बारे में जो है उसका गुणगान कर रहे हैं। एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण लीला इस विषय में बताई जाती है, ये लीला है भगवान के गोवर्धन पर्वत को उठाने की। तो हमें पता है कि जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को, खासकर नंद महाराज को कहा था कि हम सब वृंदावन वासियों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, हम सब गोवर्धन के ऊपर निर्भर हैं, गोवर्धन के द्वारा हमें पानी की प्राप्ति होती है, हमारे गायें जो है वहाँ पर चर सकती हैं, तो गोवर्धन हमारे लिए पूजनीय है। और भगवान ने स्वयं भी दिखाया था अपना रूप धर के कि वो और गोवर्धन पर्वत उनमें कोई अंतर नहीं है, भगवान ही स्वयं वो गोवर्धन पर्वत हैं। इसलिए भगवान के भक्त लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर हम नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि गोवर्धन में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये भगवान भागवत में कहते हैं। तो जब इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के यज्ञ को रोक दिया और वृंदावन वासियों से कहा कि तुमने जो भी सामग्री अभी इंद्र यज्ञ के लिए जो प्राप्त की है, जो भी तैयार की है, इसी के द्वारा गोवर्धन की पूजा करो। तो जब इंद्र को ये पता चला तो इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि इंद्र जो है उसकी समझ में नहीं था कि भगवान कृष्ण जो है साक्षात वही आदि पुरुष है। इंद्र भी जो है असमंजस में था, वो भी सोच रहा था, वो भी इस भ्रम में था कि भगवान कृष्ण कोई आम जो है ऑर्डिनरी एक ग्वाल बाले हैं। तो सोच रहा था कि देखो इस वृंदावन वासियों के जो है अहंकार को देखो, ये एक बालक से मित्रता बना करके इन्होंने देवताओं का अवहेलना की है, उनके प्रति अपराध किया है, जो उनके प्रति जो यज्ञ होने वाला था उसको रोक दिया है। तो क्रोध में आकर के इंद्र ने क्या किया था, इंद्र ने तुरंत अपने संवर्तक बादलों को बुलाया। ये जो संवर्तक के बादल होते हैं, इनको प्रलय के समय में बुलाया जाता है। जब सृष्टि का प्रलय होने वाला होता है तो घनघोर बारिश होती है, सब जगह पानी भर जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रलयंकारी बादलों को बुलाने के पश्चात इंद्र ने आदेश दिया कि तुम जाओ और वृंदावन में इस प्रकार से प्रलयंकारी वर्षा करो लगातार। और ये जो जंगल के निवासी हैं, क्योंकि वृंदावन है तो देखिए किस प्रकार से जो है उनका अनादर कर रहा है, ये जंगल के निवासी जो हैं इनको पाठ पढ़ाना चाहिए। तो संवर्तक बादल तो जानते थे कि भगवान कृष्ण जो है कोई आम बालक नहीं है, तो वो घबरा गए। उन्होंने जो है पहले सोचा कि हम कैसे ये कार्य कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी इंद्र ने दोबारा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूं, मैं अपने एरावत पर सवार होकर के पीछे से आता हूं। और इस प्रकार से लगातार 7 दिन तक घनघोर वर्षा होती रही, ठंडी हवाएं जो है भयंकर आंधी तूफान चलता रहा और लगातार वज्र बिजली चमकती रही। और बताया जाता है कि जो बारिश हो रही थी त्रिशूल की भांति तेज थी और मोटे आकार में जैसे बड़े बड़े खंबे होते हैं, पिल्लर होते हैं, इस प्रकार से मूसलधार वर्षा वहां पर हो रही थी। तब सारे के सारे वृंदावन वासी जो हैं वो डर गए। और खासकर बताया जाता है कि गायें जो हैं अपने बछड़ों को अपने थनों के नीचे लिए हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंची और भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। और उस समय बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने छोटी उंगली के द्वारा भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत उठाया। तो ये वृंदावन वासी जो है आपस में बात करते हैं कि जिस प्रकार से छोटा बालक एक कुकुरमुत्ता मशरूम का पेड़ जो होता है उसको उठा लेता है, भगवान की छोटी उंगली ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो अगले गुण की चर्चा अब हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।